माननीय सदस्यगण, यह बहस हमें 4 बजे तक लगभग खत्म करनी थी, पर चूंकि विषय के महत्व को देखते हुए माननीय चेयरमैन ने कहा था कि जो लोग बोलना चाहें समय मिले, तो जो बाकी वक्ता हैं उनसे मेरा आग्रह है कि बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि दूसरा बिल भी टेकअप करना है। श्री गोपाल नारायण सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा कि काफ़ी डिस्कशन के बाद मंत्रालय ने बिल लाया और इसकी आवश्यकता थी देश में। इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि इस पर कंट्रोल किया जाए, इसको रोक लगाया जाए, जो इसके माध्यम से जो व्यभिचार फैल रहे थे, जो अराजक स्थिति हो गई थी, जो बाहर के लोग आके व्यापार बना रहे थे, बड़ी बड़ी आपको संस्थाएं खुल गई थी प्रचार के माध्यम से, और अव्यवस्था जो फैल रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए विचार करके इसके बिल को लाया गया, इसलिए हम इसको समर्थन करते हैं। सरोगेसी का सिर्फ इतना ही मतलब था कि जो लोग इनफेक्टिव हैं बच्चा पैदा करने में, उनको इसमें सहयोग दिया जाए और आगे परिवार बढ़ाने के लिए जो कमी है औरत या पुरुष में, उस कमी के माध्यम से इसको दूर करके और आगे परिवार बढ़ाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया कि इसको एक धंधा बना लिया गया, बड़े बड़े डॉक्टर्स की एजेंसियाँ खुल गई, प्रचार होने लगे, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं हुआ, कैसे उनको रोके, उन पर कोई प्रभाव डाल सके कि कोई नियम कानून के अनुसार रोक सके, सरकार के पास कोई हाथ ही नहीं था, शस्त्र नहीं था। उसके लिए इस बिल को लाना बहुत ज़रूरी था, ताकि एक एक बार एक धंधा बनने में एक एक गरीब औरतें पैसा कमाने के लिए तीन तीन चार चार बार अपने को ऑफर करती थी लोग, उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई ध्यान देता ही नहीं था, पैसा उनको क्या मिलता था किसी को कंट्रोल नहीं था, कोई आया 2000, 10000, 15000 दिया और उसका बच्चा लिया चला गया, उसके बाद उसके औरत के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देता था। जो बच्चा आया, अगर उनके मन लायक वो बच्चा नहीं हुआ, अगर फीमेल हो गया तो उसको लोग छोड़ के चला जाता था, उसकी कोई रोकने का कोई प्रावधान नहीं था। अगर उनके पास कोई लड़का आया भी, कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, उस पर भी व्यवधान था, उसको रोक के छोड़ के लोग चला जाता था विदेशी। इसके लिए सरकार असहाय थी, कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी थी कि इस बिल को लाया जाए और उस पर पहली बार अंकुश लगाया जाए, ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। थोड़ी बहुत कमियाँ हर एक बिल में है, संविधान हमारा पहले सर्वोपरि है, लेकिन उसमें भी संशोधन होते आए हैं। ये बिल लागू हो उसके बाद अगर कोई कमी सामने हो, उस पर संशोधन भी आ सकते हैं, उस बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इसको डिले करना और इसको ना लागू करना, इस पर और चर्चा कराना, मैं समझता हूँ कि आज के डेट में उचित नहीं है। मैं आग्रह करूँगा सदन से भी, क्योंकि इसको लागू होने देना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब रमेश जी ने बोला कमेटी के बारे में, हम लोग उस कमेटी में थे और हर एक एस्पेक्ट पर विचार किया गया। अगर एक एक बिंदु पर लेके स्टैंडिंग कमेटी का लेके चलने में कुछ प्रैक्टिकल भी हम मिनिस्ट्री का होता है, और उसको भी ध्यान रख के अगर मिनिस्ट्री कोई बिल लाती है, तो हम लोगों को चाहिए कि क्योंकि सब 100% हमारी बात रखी नहीं जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कोई प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं मैं मिनिस्ट्री का, उसके चलते भी होता है, क्योंकि चाइल्ड एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री में भी कुछ कमियां होती हैं, वो देखने के बाद बिल लाया गया, अगर कोई कमी बेसी होगी तो आगे भी सुझाव आ सकते हैं, इसलिए इस बिल पास करना, इसके समर्थन में मैं धन्यवाद आग्रह करूंगा, हाउस उसको समर्थित करे, उस बिल लागू करे, आगे भी जो कमी होगी उसको लागू किया जाएगा, उसमें चेंज किया। गोपाल नारायण जी,